दोस्तों, अगर कोई भी काम में अगर करने में आप रुचि रखते हैं, मेहनत और लगन से करते हैं, तो आप एक न एक दिन जरूर सफल होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच में। दोस्तों, आज मैं फिर एक बार उपस्थित हूं पटना के परसा के छतना गांव में, और हमारे साथ आनंद कुमार झा हैं जो काफ़ी बढ़िया अच्छे तरीके से समेकित रूप से फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, ये सभी चीज़ों का फार्मिंग करते हैं, और सर से कुछ जानकारियां हम लेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर, वैसे तो हमने आपका आपका पूरा इंट्रो हमने दे दिया है, लेकिन आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय आप अपने दर्शकों को दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास जी, और मैं यहाँ पे आपके साथ साथ सभी दर्शकों का भी स्वागत करता हूँ। और अपने इंट्रोडक्शन के बारे में यही कहना चाहूँगा कि मैं एक आनंद नाम है मेरा, और यहाँ परसा के छतना गांव में मैं अपना ये फार्मिंग कर रहा हूँ। जो लोग भी इस कार्य से जुड़ना चाहते हैं, एक बार ज़रूर समय निकाल कर आएँ और देखें, समझें चीज़ों को और स्टार्ट करें। सर, ये मुर्गी पालन तो बहुत सारे ब्रॉयलर नस्ल का ब्रॉयलर मुर्गी पालन बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये जो कड़कनाथ है और ये देसीला पर जो काम कर रहे हैं, उस साइड में कौन सा है सर? उस साइड में देसी है, उसमें कुछ कुछ सोनाली तो देसी भी है। देसी और सोनाली जो कड़कनाथ है, ये सर कैसा है, लोग कैसे इसमें अपना रुचि कर सकते हैं और क्या बेनिफिट है, इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। स्टार्ट कीजिएगा तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, समझे। अभी हमारे यहाँ देसी का डिमांड कम है, क्योंकि ये प्रोडक्शन उतना इसका नहीं हो रहा है बड़े स्केल पे। जितना ब्रॉयलर मुर्गा का फार्म चल रहा है, उतना देसी का फार्म नहीं चलता है। कारण क्या है, थोड़ा सा धीरे मतलब बढ़ता है, ये ग्रोथ थोड़ा स्लो है, लेकिन ये ऑर्गेनिक चीज़ है, इसमें कोई दवाई, कोई टॉनिक, ये सब ज़्यादा चीज़ों का आवश्यकता नहीं पड़ता है, लो मेंटेनेंस में, इसीलिए इसका रेट हाई है। थोड़ा सा हाई रेट होने के कारण लोग इसको नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जो चीज़ ये है वो चीज़ कहीं और नहीं मिलेगा आपको। कड़कनाथ की अगर हम बात करें तो कड़कनाथ एक हाई प्रोटीन वाला मुर्गा है, ये आपको इम्यूनिटी डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। ये थोड़ा सा महंगा ब्रीड है, सब लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं इसको, लेकिन पटना जैसे शहरों में तो खैर यहाँ तो लोग हैं वैसे जो इसका कंज्यूम करना चाहते हैं, उनको मिल नहीं पाता है, तो उन लोग के लिए भी और जो भी अगल बगल के लोग हैं उन सभी लोगों के लिए भी अगर उन्हें चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। मेरा अभी यहाँ पे खुद का प्रोडक्शन भी है और मैं सेल भी करता हूँ, दोनों चीज़ है। और इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था कड़कनाथ को, कितने दिनों पहले आपने शुरुआत किया था मुर्गा पालन? तो 2 साल का हो गया अब। 2 साल? हाँ, तो 2 साल में काफ़ी जाहिर सी बात है कि आपको अनुभव ज़्यादा हो गया होगा। तो सर, ये थोड़ा सा हमें बताएं कि कोई भी अगर ये फर्म बनाना चाहता है तो किस ढंग से बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए जो उनका फर्म सही ढंग से सुचारू रूप से चले, आगे पूरा भविष्य मतलब वो उज्ज्वल कर सकें, ये बताइए। स्टार्ट कीजिए छोटा से, 25-50 का कैपेसिटी में स्टार्ट करें लोग, एक्सपीरियंस ले लें 2-3 महीने का, आइडिया हो जाएगा कैसे संभलेगा ये। बस 50 सब आपका तुरंत 500 पहुंच जाता है, जब आपको मन लग जाता है इस चीज़ों में। जब आपका 500 पहुंच गया है तब उस पर ध्यान लाइए कैसे ये 5000 पहुँचे। हम तो 5 मुर्गी 1 मुर्गा ला करके स्टार्ट किए थे, आज मेरे पास 5000 प्लस है देसी का कैपेसिटी। तो और भी इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन थोड़ी जगह की कमी हो रही है इसलिए बढ़ नहीं पा रहा है ये, लेकिन इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, फोकस है, इसको और विस्तार किया जाए। जी सर, अभी आपके पास कड़कनाथ है और देसीला है? मेरे पास अभी 3-4 ब्रीड का है, कड़कनाथ है, देसी है, सोनाली है, असील है, ये सब जो है ब्रीड विलुप्त होने की कगार पे आ गया था, तो इसको मैं यहाँ पे अपने यहाँ डेवलप कर रहा हूँ। डेवलप करना, मार्केटिंग का मुझे टेंशन नहीं है, मार्केटिंग में जाता भी नहीं जल्दी, कहीं बेचने के लिए मैं जाता नहीं, बाज़ार भी नहीं जाता, यहीं से लोग ले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है, बहुत लोग खोज रहे हैं अभी इम्यूनिटी के कारण, डेवलपमेंट, देसी खाना पसंद कर रहे हैं, ब्रॉयलर से थोड़ा मन उनका हट रहा है, देसी की तरफ थोड़ा झुक रहा है।
सर ये बताइए कि कोई भी अगर युवा साथी हमारे जो अगर करना चाहेंगे तो कैसे क्या मतलब इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये फर्म का कैसे फर्म का निर्माण किस ढंग से करेंगे वो? लाइव स्टॉक के बिजनेस में उनको मैं यही सजेशन और सलाह देना चाहूँगा कि आप अपना जब भी फार्म बनाएं तो उसमें ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो गेट होगा वो पूर्व और पश्चिम की दिशा में न खुले। पूरा पश्चिम की दिशा में न खुले तो फिर उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही गेट होना चाहिए। जी हाँ, लाइव स्टॉक में यही चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि हमारे यहाँ जो है हवा चलती है पुरवैया और पछुआ, तो हमको करना क्या है कि इस दोनों एरिया को ब्लॉक कर देना है, तो गेट हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही खुले। इसमें बेनिफिट हो जाएगा आपको, ठंड गर्मी बरसात सबसे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, मोर्टैलिटी आप कंट्रोल कर लीजिएगा। अगर इधर उधर खोलिएगा कि नहीं हम इसको ईस्ट और वेस्ट की फेस में ओपन रखना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है ना, जैसे पुरवैया हवा चला तो वो दबाता है। आप देखते होंगे जिसके यहाँ का अगर पूरब या पश्चिम साइड में खुला हुआ जगह है या फिर गेट है तो उसमें क्या होता है बरसात के टाइम पे झटास मारती है, बारिश आया तो पूरा घर के अंदर पानी चला गया, तो ये सब चीज़ देखने के लिए मिलता है। तो आपको अपने क्लाइमेट के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह का मौसम है, गर्मी भी उतना है, बरसात भी वैसी ही है, ठंड भी हमारे यहाँ वैसा ही पड़ता है, तो चीज़ों को ध्यान रखें वो शेड का निर्माण के टाइम और इस काम को कर सकते हैं। सर हमारा अगला सवाल होगा कि ब्रॉयलर की अपेक्षा मतलब कैसा इसमें बेनिफिट है, ये थोड़ा सा बताएं हमारे। देखिए हम किसी से कंपटीशन नहीं करते हैं विकास जी, आपको ये बता रहे चाह रहा है और सभी दर्शकों को मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मेरा काम है इसको प्रोडक्शन बढ़ाना, सेलिंग का चिंता नहीं है। अभी ठंड आने वाला है, ठंड में ऐसे भी मार्केटिंग बढ़ा रहता है मुर्गों का, ज़्यादा ठंड लगती है लोग कहते हैं मुर्गा खाएंगे। ब्रॉयलर ज़्यादा बिकता है हमारे यहाँ लेकिन ब्रॉयलर का रेट नहीं है, 15-20 रुपये पे काम करने में आपको मज़ा नहीं है। देसी पे काम करें, ग्रेजिंग पे इसको छोड़ें, ये चरके भी अपना भरण पोषण कर लेती है, कॉस्टिंग भी आपका डाउन है और आपको मुनाफा भी अच्छा है। थोड़ा सा समय लगेगा, धैर्य रखना पड़ेगा आपको। सोनाली करते हैं तो 80 से 85 दिन में वो आपको मार्केटिंग के लिए तैयार हो जाता है। प्योर देसी रहेगा तो 5 महीने का टाइम लगाएगा। कड़कनाथ है आपको 4 महीना में मीट पर्पज़ के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको एक प्रोडक्शन पे रखते हैं, अंडा भी है, मुर्गा है, तो लास्ट में तो उसका कटना है ही, तो पहले ही अपना ज़िंदगी जी ले। मुर्गा मुर्गी दोनों होता है चूजा में, तो मुर्गा तो खैर कटिंग में गया कुछ ब्रीडिंग रह करके, बाकी मुर्गियाँ जो उनसे अंडा भी लें लोग देसी के ही रेट पे अगर निकालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको मुनाफा है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि इस ये तो कर लेते हैं देसी तो हम स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन सर इसका मार्केटिंग सही ढंग से उनसे नहीं हो पाता है, तो इस पर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से मार्केटिंग करना चाहिए और कैसे लोगों को ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं और कैसे दे सकते हैं। देखिए मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं मुझे, आप अपने अगल बगल चीज़ देखिए, ऐसा कौन सा चीज़ है जो बिका हुआ नहीं है? आप जो कपड़ा पहने हैं वो भी बिका है, जिस घर में हैं वो भी बिका है, जिस पलंग पे बैठे हैं वो भी बिका है, जो चादर पहने हैं, जो शर्ट पहने हैं, सब बिका हुआ है। कोई बेच रहा है, कोई ना कोई खरीद रहा है, तो आपका मुर्गा या बकरी या मछली ये नहीं बिकेगा, ऐसा थोड़ी है। हाँ थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में दिक्कत होता है क्योंकि उनको मार्केट का आइडिया नहीं है। जब आप इस कार्य में जुड़िएगा, इसलिए मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग आप 50-100 से कीजिए ना, लोग आएंगे, क्वालिटी दीजिए आप उनको, मतलब धीरे धीरे बड़े स्तर पे आप बढ़ाइए उसको। बिल्कुल, अगर आपको छत तक जाना है तो एक ही बार छलांग लगा के नहीं पहुँच सकते हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, छोटा सा स्टार्ट करें, आगे तक जाएँ, लंबा जाएँ, बड़ा करें फार्म को, एक ही बार में बड़ा करके फार्म को छोटा पे मत आ जाइए, इस चीज़ का ध्यान रखें, बहुत आगे जाएंगे। हमारे दर्शकों का एक और सवाल है कि इस मुर्गी पालन को करने के लिए क्या ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है क्या? ट्रेनिंग लेना ज़रूरी नहीं, इसमें थोड़ा सा जानकारी पर्याप्त करना ज़रूरी है। अगर आप चूजा से स्टार्ट करते हैं तो उसमें ब्रूडिंग होता है, ब्रूडिंग करना होता है 15 दिनों तक, उसको देखना है, फिर उसका जगह बढ़ाया जाता है, ये सब खैर जो लोग आएंगे उनको मैं बता दूंगा, उसका कोई बड़ा चीज़ नहीं है वो।
सीख जाते हैं, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, जो मेहनत है शुरू का 3-4 दिन मेहनत है, उसके बाद इजीली है, इतना सब कुछ कर लेता है। सही बात है दोस्तों, कम मेंटेनेंस में ये बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं अपने घर पे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।